बंगाली समाज इस बार बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और भाई प्रवेश वर्मा हमारा युवा नेता यहाँ की सारे पटेल नगर क्षेत्र की सारे वोट इस बार हम लोग कैंपिंग करके भाई प्रवेश वर्मा को हम लोग इस बार जिताने के लिए बिल्कुल हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। आपकी बार इस चुनाव में आप किसके साथ हो? बीजेपी के साथ है, भाई प्रवेश रतन के साथ है। प्रवेश रतन का बहुमत से जितानी है। इस बार बंगाली समाज हमारा प्रवेश भाई रतन बीजेपी को समर्थन करेंगे और पूरी युवा संगठन इसके साथ खड़ा है। जल्दी है तो मुमकिन है, जो चीज आज हम 100 सालों से देखते आ रहे कि नहीं हुआ। 370 हटी इसके वजह से मोदी जी के वजह से, राम मंदिर हुआ इसके वजह से मोदी जी के वजह से, एनआरसी आया इसके वजह से मोदी वजह से। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए? और क्या उदाहरण दूं मैं आपको? मोदी जी इज द बेस्ट ऑप्शन, मोदी जी इज द बेस्ट ऑप्शन, मोदी सरकार। नमस्कार, मैं विकास और आमिर साथ देख रहे हो खबर तेल का। भी मैं मौजूद हूँ बंगोली मंदिर पटेल नगर विधानसभा में और आज यहाँ युवा प्रत्याशी या प्रवेश रतन वो यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हम यहाँ जो है लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में वो किसका साथ देने वाले हैं और क्या इस विधानसभा का चुनावी मूड हम लोगों से जानेंगे। सर, क्या लगता है युवा नेता बीजेपी ने उतारा प्रवेश रतन को, क्या रहने वाला है आपके समाज का अब की बार? क्योंकि बंगाली समाज का इस विधानसभा में काफ़ी अहम योगदान है, ये योगदान अब की बार किसको देने वाले हैं? ये दिल्ली में टोटल 22 लाख बंगाली रहता है, उसमें से पटेल नगर क्षेत्र एक बहुत बढ़िया बंगाली आबादी यहाँ रहता है और यहाँ से सारे बंगाली समाज इस बार बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और भाई प्रवेश वर्मा हमारा युवा नेता यहाँ की सारे पटेल नगर क्षेत्र की सारे वोट इस बार हम लोग कैंपिंग करके भाई प्रवेश वर्मा को हम लोग इस बार जिताने के लिए बिल्कुल हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग एक साथ खड़ा है। अब की बार इस चुनाव में आप किसके साथ हो? बीजेपी के साथ है, भाई प्रवेश रतन के साथ है। प्रवेश रतन के बहुमत से जितानी है, भारी वोटों से जितानी है। हमारे प्रेम नगर, बलजीत नगर, नेहर नगर 5 से 7 हजार बंगाली वोट है, सारे वोट भाई प्रवेश रतन को दिया जाएगा, एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। ये हमारी कर्तव्य है और हमारा दायित्व है, हम सारे मिलके हम काम करेंगे और भाई प्रवेश रतन को हर हाल में जिताएंगे। इस चुनाव में अब की बार बंगाली समाज किसका जो है समर्थन करेंगे? इस बार बंगाली समाज हमारा प्रवेश भाई रतन बीजेपी को समर्थन करेंगे और पूरी युवा संगठन इसके साथ खड़ा है। क्यों बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी हमारा देश के लिए और हमारा ही मैंने जो सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी का होना चाहिए। महिलाओं की भी भागीदारी पूरी होती है क्योंकि आधी जो आबादी है महिलाओं की है, तो इस चुनाव में आपका क्या सहयोग रहने वाला है? बीजेपी के साथ है हम लोग। बीजेपी के साथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने आगे हमारे साथ इस पड़ाव में बहुत काम किया, हमारे साथ हम जहां उनको हमें बोला वो हमारे साथ खड़े थे, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। क्या अब की बार किसका साथ देने वाले हैं इस विधानसभा में? मोदी जी के साथ। मोदी जी किसके साथ? मोदी जी के साथ। आपका वोट किसको? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, जो चीज़ आज हम 100 सालों से देखते आ रहे कि नहीं हुआ। 370 हटी किसके वजह से? मोदी जी के वजह से। राम मंदिर हुआ किसके वजह से? मोदी जी के वजह से। NRC आया किसके वजह से? मोदी वजह से। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए? और क्या उदाहरण दूँ मैं आपको? मोदी जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। युवा नेता है प्रवेश रतन, प्रवेश रतन को चुनावी मैदान में पटेल नगर से बीजेपी ने उतारा है, क्या रहने वाला है आपकी बात? देखो, आज विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे भारत देश पर युवा, भारत देश के युवाओं पर विश्व की नज़र हो सकती है। तो इसमें दो राय नहीं है कि अगर आज हमारे पटेल नगर से अगर युवा साथी जो सबसे कम उम्र का जो दिल्ली का प्रत्याशी है भाजपा का, अगर वो जीतकर अगर विधानसभा पटेल नगर से आगे आता है तो युवाओं में भी एनर्जी आती है और युवाओं को एक देखने को मिलेगा युवा क्या करता, पढ़ा लिखा युवा है और बहुत अच्छा कार्य करेगा, इनको आगे लाना चाहिए। युवा मैदान में है और क्या लगता है क्या रहने वाला है अब की बार बीजेपी सरकार। अब की बार बीजेपी सरकार जी। क्यों? क्योंकि 15 साल से हम चले जा रहे हैं, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, ए टीम बी टीम ऐसे करते हमारे साथ छलावा होते आ रहा है और अब मोदी है तो मुमकिन है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी है, और हम चाहते हैं कि यहाँ प्रवेश रतन भाई जैसा कर्मठ नेता हो और कर्मठ हमारा विधायक हो। आज बंगोली मंदिर में हम पहुँचे थे
और हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की, क्योंकि दिल्ली में चुनावी कुरुक्षेत्र चला हुआ है और अब की बार पटेल नगर का हम जो है सर्वे कर रहे थे, पटेल नगर के लोगों से हम जान रहे थे इस विधानसभा में अब की बार कौन यहाँ से बाजी मार सकता है। लगातार चुनावी कवरेज के लिए जुड़े रहे और देखते रहिए खबर तैलगा। अब की बार मोदी सरकार जीतेगा, पटेल सरकार मोदी सरकार दिल्ली में बीजेपी सरकार।